हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ मूंग दाल के क्रिस्पी और टेस्टी पकोड़े। तो शुरू करते हैं रेसिपी। मूंग दाल के पकोड़े बनाने के लिए मैंने एक स्मॉल बाउल मूंग की दाल ली है, बिना छिलकों वाली। तो सबसे पहले हम इसे पानी से अच्छे से वॉश कर लेते हैं। मूंग की दाल को मैंने 2-3 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है और अब इसके ऊपर 1 से 1.5 इंच तक पानी डालकर हम इसे 2 घंटे के लिए भिगोने के लिए साइड में रख देते हैं। दाल को मैंने 2-3 घंटों के लिए पानी में भिगो के रख दिया था और अब ये फूलकर रेडी हो चुकी है। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रेनर लेंगे और स्ट्रेनर को मैंने एक बड़े बाउल पे रखा है। दाल को हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और 4-5 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही स्ट्रेनर पर रख देंगे ताकि जब हम दाल को ग्राइंड करें तो दाल में बिल्कुल पानी ना हो। और अब इसमें से 2 चम्मच दाल को हमें साइड में निकाल के रखना है। अब एक मिक्सी के जार में 2 बड़ी हरी मिर्च, हरी मिर्च की क्वांटिटी को आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, 7-8 लहसुन की कली, 2 इंच अदरक की स्लाइसेस, 8 से 10 करी पत्ता और 1/2 छोटा चम्मच जीरा, इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। तो मैंने इसे मिक्सी में ऐसे पीस लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे मूंग की दाल। हमें इसे बिना पानी के ब्लेंड कर लेना है। इसका हमें दरदरा पेस्ट बनाना है, इसलिए मिक्सी को कुछ सेकंड्स के लिए चलाते हुए इसे ब्लेंड कर ले। तो मैंने इसे ऐसे ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसे ट्रांसफ़र करते हैं एक बड़े बाउल में। अब हमें इसे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेना है। इसे फेंटना बहुत ज़रूरी है, फेंटने से मिश्रण फ्लफी बनेगा और इसके पकोड़े बहुत अच्छे बनेंगे। आप देख सकते हैं ये फूलकर बिल्कुल रेडी है। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी हींग, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम या ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं और स्वादानुसार हम इसमें नमक डालेंगे। 1 मीडियम साइज के प्याज को मैंने ऐसे छोटे स्लाइसेस में कट कर लिया है और इसे सेपरेट कर लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसके साथ ही जो दाल हमने बाहर निकाल के रखी है ब्लेंड करने से पहले, उसे भी हम इसमें डाल देंगे और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पकौड़ों को और भी ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनाने के लिए हम इसमें 1 चम्मच चावल का आटा डालेंगे और इसे भी हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब ये मिश्रण बिल्कुल रेडी है बनके, तो चलते हैं इसे फ्राई करने के लिए। पहले चेक कर लेते हैं ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है कि नहीं, इसके लिए मैंने इसमें थोड़ा सा मिश्रण डाला है। और अगर ये तैर के ऊपर आ जाता है, मतलब कि ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो गैस की फ्लेम को अब मैंने मीडियम पे कर दिया है। और अब छोटे छोटे साइज के पकोड़े हम इसमें डालेंगे। पकोड़े छोटे साइज के ही डालने हैं जिससे कि वो अच्छे से फ्राई हो सके अंदर से। और इसे डालने से पहले आप हाथों को थोड़ा सा पानी से गीला कर सकते हैं, इससे हम इजीली इसे डाल सकते हैं पकोड़े। पकोड़े डालते वक्त उंगलियों को इसे खुला छोड़ दें जिससे कि पकोड़े का मिश्रण जो है वो आसानी से ड्रॉप हो सके। कभी कभी एक बार में 2 या 3 पकोड़े भी ऐसे ड्रॉप हो सकते हैं उंगलियों के बीच में से। इसे गोल गोल शेप में बना के तो बिल्कुल ना डालें और ना ही इसे स्पून से डालें, क्योंकि ऐसा करने से पकोड़े अच्छे से क्रिस्पी नहीं बनेंगे और हो सकता है कि अंदर से थोड़े से कच्चे रह जाए। और फ्राई करते वक्त गैस की फ्लेम को हमें मीडियम टू लो पे ही रखना है, इससे पकोड़े क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। मूंग दाल के पकोड़े बहुत स्वाद बनते हैं, बहुत टेस्टी, क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।